आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर ईरान से है। ईरान के एक सांसद का बड़ा बयान सामने आया है, एक हफ्ते में न्यूक्लियर टेस्ट में सक्षम हैं हम। ये बड़ी बात है, सर्वोच्च नेता के आदेश का इंतजार हो रहा है, ये इशारा भी उन्होंने दे दिया है। सर्वोच्च नेता खामेनेई के आदेश का इंतजार हो रहा है और जैसे ही वो आदेश मिलता है हम परमाणु टेस्ट करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब लगातार टकराव की स्थिति ईरान और इसराइल के बीच में बनी हुई है। एक सांसद ने दिया है ये बड़ा बयान, कह रहे एक हफ्ते के भीतर भीतर न्यूक्लियर टेस्ट में हम सक्षम हैं, बस इंतजार है सर्वोच्च नेता का। सर्वोच्च नेता खामेनेई की तरफ इशारा कर दिया है और कह दिया है खामेनेई जैसे ही आदेश देते हैं इस पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि जो परमाणु टेस्ट है वो करने में हम सक्षम हैं और जैसे ही हमें इस तरह के इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे ये काम किया भी जाएगा। ईरान और इसराइल के बीच में जो तनाव की स्थिति है वो लगातार हर दिन के साथ बढ़ रही है, ऐसे में खामेनेई का ऑर्डर क्या परमाणु टेस्ट की तरफ आगे बढ़ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो अगला कदम ईरान का आखिर होगा क्या, क्योंकि ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि इसराइल अगर कदम पीछे नहीं खींचता है तो फिर हमला बड़ा होगा और पहले से कहीं गुना ज्यादा ताकत के साथ होगा, क्योंकि इससे पहले जो ईरान ने मिसाइल या ड्रोन इसराइल की तरफ दागे उन्हें हवा में ही काफी हद तक नष्ट कर दिया गया था इसराइल की तरफ से, और इसराइल ने यह दावा किया था कि कोई नुकसान ईरान के हमले से इसराइल को नहीं पहुंचा है। ऐसे में बड़ी खबर, ईरान के एक सांसद ने दिया है बड़ा बयान, परमाणु टेस्ट में हम पूरी तरह से सक्षम हैं, न्यूक्लियर टेस्ट जो कि हम कभी भी कर सकते हैं, बस खामेनेई के ऑर्डर का इंतजार है। इस न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब आखिर है क्या, ये जानने समझने की कोशिश भी हम करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ प्रफुल्ल बख्शी सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर, अगर ईरान और इसराइल के बीच में ये टकराव की स्थिति है और अगर ईरान के सांसद कह रहे हैं न्यूक्लियर टेस्ट हम करने में सक्षम हैं, बस एक ऑर्डर का इंतजार है, तो इसके मतलब और मायने हैं क्या? क्या ये सिर्फ कहने भर के लिए गीदड़ भभकी है या असल में ईरान ऐसा कुछ कर सकता है? मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ईरान कर सकता है, और आप ये ना सोच बैठे कि ईरान सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है। ईरान अगर चाहे, क्योंकि ईरान के पास में न्यूक्लियर डिवाइसेस, न्यूक्लियर लोकेशंस, यूरेनियम माइंस, दो तो मेजर लोकेशन है उनकी, उनके पास दो से तीन यूरेनियम माइंस हैं, मेन रिएक्टर उनका है जो एक बार अटैक हो चुका है जिसके ऊपर, और मेनी फैसिलिटीज हैं जिसके जिसको कि साइबर अटैक से हम कहते हैं अमेरिका ने ऑलरेडी एक बार अमेरिका और इसराइल ने मिलकर इस पर अटैक किया है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक हो चुका है, और ईरान इस समय केपेबल है न्यूक्लियर टेस्ट करने के, क्योंकि वो अपग्रेड कर रहा है यूरेनियम अपग्रेडेशन का करके, और अब नए न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी कर रहा है। हम ये ना सोच बैठे कि न्यूक्लियर टेस्ट कोई नहीं करेगा, जब हमने किया था उसके बाद फ्रांस ने भी किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने किया और कई कंट्रीज ने किया, तो ये नहीं सोचे कि जस्ट बिकॉज आईएई और अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैव सेड कि आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा, अंडरग्राउंड टेस्ट भी हो सकता है और ओवरग्राउंड टेस्ट भी हो सकता है। बात आ रही है न्यूक्लियर वेपन्स की, ईरान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इसराइल के पास भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मेन वेपन की बात नहीं कर रहा, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन विद वेरी लो यील्ड, न्यूक्लियर यील्ड बड़ी विद लो होती है रेडिएशन उसमें, जो कि टैक्टिकल एरिया में चलाए जाते हैं, न्यूक्लियर आर्टिलरी शेल्स भी हैं और अगर स्मॉलर न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो इस समय हम ये मत सोचे कि ईरान इसका टेस्ट नहीं करेगा, ईरान इसका भी टेस्ट कर सकता है, और हम आयतुल्लाह खमीनी किसी से डरता नहीं है, आपको ये बता दें अगर वो चाहे तो वो करेगा, और इस समय हमको पता है कि हमारे भारत के रिलेशन उसके साथ अच्छे हैं, चाइना का उसका पूरा सपोर्ट है, और उसको कई और इस्लामिक कंट्रीज अंडर यू नो ओब्लिक सपोर्ट दे रहे हैं, और ऑफ कोर्स उसके पास में हूतीज और बाकी रेबल्स जो हैं हमास इत्यादि, ये सारे के सारे हिजबुल्ला, ये सारे के सारी लोकेशन उनके पास में है। प्रॉब्लम ये आएगी हिजबुल्ला हूतीज और ऐसे हमास जैसे लोगों को अगर हाथ में न्यूक्लियर डिवाइस आती है उसकी प्रॉब्लम आएगी, वो इसको हाई यील्ड को भी पब्लिक एरिया में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे एज अ जिहाद एक्टिविटी। इसके लिए सारी दुनिया चिंतित है, चिंता इस बात की है
तो आपने जैसे मैडम पूछा कि क्या इसराइल न्यूक्लियर धमकी ही सिर्फ दे रहा है, नहीं धमकी नहीं दे रहा। अगर इसकी न्यूक्लियर इस्फहान में और तबरीज के अंदर इसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक हुआ और तो वो उसको मेजर अटैक, यानी आप कह रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि ईरान सिर्फ कह नहीं रहा, करके दिखा सकता है। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर ने इस बात को सेकंड कर दिया और बता रहे हैं कि ईरान सिर्फ कह नहीं रहा, ऐसा कर भी सकता है। और अगर ऐसा कर सकता है तो ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर से मैं समझ लेती हूं कि इसके मतलब और मायने हैं क्या। कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सोढ़ी सर। यूके देवनाथ सर, अगर बख्शी सर कह रहे हैं कि ईरान सिर्फ कह नहीं रहा, वो ऐसा कर सकता है, अगर कर सकता है तो न्यूक्लियर टेस्ट के मतलब मायने क्या है? अगर इन हथियारों का इस्तेमाल इसराइल की तरफ होता है तो उसे नुकसान क्या हो सकता है? और अमेरिका जो इसराइल की सेफ्टी सिक्योरिटी के दम भर रहा है, फिर उसका अगला कदम क्या होगा? जी हाँ रचना जी, ये समझना पड़ेगा कि विंग कमांडर बख्शी ने जो कहा है एकदम सच कहा है कि अगर ईरान चाहे तो ऐसा कर सकता है। सोमवार के दिन ईरान के विदेश मंत्री और के मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में ईरान ने सोमवार के दिन फिर से ये कहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पस के लिए है और न्यूक्लियर बम बनाना ईरान के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में फिलहाल नहीं है। यानी ईरान ने अभी फिर से डिक्लेयर कर दिया है ऑफिशियली कि उनका न्यूक्लियर बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, एक अगर है वो समझने वाली बात है, अगर ईरान को मजबूर ना किया जाए। जहां तक ईरान की न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्निकल कैपेबिलिटी है, जैसा कि विंग कमांडर बख्शी ने बताया, विंग कमांडर बख्शी सर ने एकदम सही बताया कि ईरान के पास उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज है, उसका रॉ मटेरियल है, उसने यूरेनियम एनरिचमेंट जो है तकरीबन 86% तक कर लिया है। 90% तक अगर वो कर लेगा एनरिचमेंट तो उसको न्यूक्लियर बम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में छोटा वाला ही बनाएंगे, जैसा विंग कमांडर बख्शी सर ने बताया कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड बनाएगा अगर उसने ये डिसीजन लिया। हाँ। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की कि न्यूक्लियर बम अगर ईरान बनाएगा तो उसके ऊपर दुनिया से जो उसके कुछ पश्चिमी देश अभी तक ईरान के साथ कुछ संबंध बनाए हुए हैं, लेकिन अगर वो न्यूक्लियर बना लेता है तो पश्चिमी देश जो दो चार हैं जिनके साथ उसकी थोड़े संबंध है, फ्रांस का एग्जांपल दे देता हूं, तो उनको भी शायद फ्रांस को अमेरिका के दबाव में आके तोड़ना पड़ेगा। तो ईरान को एक और फैक्टर जो है, पिछले 3 दिन से ईरान में अंडर ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो ईरान में भ्रमण कर रहे हैं ये देखने के लिए कि ईरान अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज का इस्तेमाल पीसफुल और अच्छे काम के लिए कर रहा है, पावर जनरेशन के लिए कर रहा है। तो IAEA की जो रिपोर्ट है वो कल परसों तक आ जाएगी। अगर वो इसमें कोई रेड फ्लैग खड़ा नहीं करते हैं तो ये मान लेना चाहिए कि फिलहाल ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ अग्रसर नहीं हो रहा है। जिस तरीके की अभी कंडीशन बनी हुई है, यहाँ कयास अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन